नमस्कार, मैं श्याम नंदन कुमार आपका एएसएन के क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की राज व्यवस्था, उसके अंतर्गत देखेंगे हम लोग भारत का संवैधानिक विकास और यह इसके अंतर्गत हमारा 14वां लेक्चर है। इससे पहले हम लोग भारत के संवैधानिक विकास जो ये अध्याय है भारत की राज व्यवस्था के अंतर्गत 13 लेक्चर को कवर कर चुके हैं, जो थ्योरी का पार्ट था उसमें, ठीक है ना। 14 जो हम देखेंगे यहाँ पे, ये 14वां ये जो लेक्चर है ये टोटल जो है आपका एमसीक्यू बेस्ड है, अर्थात प्रश्न उत्तर पे आधारित ये आपका वीडियो है। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, अप्रॉक्स यहाँ हम 71 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, या वनडे टाइप के एग्जाम हो या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम हो। सारे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से, सिर्फ भारत का संवैधानिक विकास इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। इससे पहले आपको बता दें, अगर आपने इस चैप्टर को नहीं देखे हैं, ठीक, तो आप जाके कृपया 13 लेक्चर को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वह दिया हुआ है लिंक, इसका वहाँ से देख सकते हैं, या मेरे वेबसाइट पर जाके www.snkclasses.com पर भी जाके आप इसको देख सकते हैं। वहाँ पे सारे जो है आपको वहाँ से आपको पीडीएफ भी वहाँ से आपको मिल जाएगा, वीडियो चाहेंगे तो वीडियो भी वहाँ से आपका ये देख सकते हैं वहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक मुख्य बात, अगर आपने इस टॉपिक पर रिवीजन नहीं किया है तो कृपया आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व ना करें, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो खामखा फ्रस्ट्रेशन आएगा आपको। इसलिए या तो आप खुद अगर नोट्स बनाए हैं इस चैप्टर पे भारत के संवैधानिक विकास पे, तो जाके उस नोट्स को पहले एक दो बार रिवाइज करें, या इस वीडियो को देखें जो 1 से लेकर 13 वीडियो है उसको देखें, और उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है ना। ये आप ही के फायदे के लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो खामखा फ्रस्ट्रेशन आएगा, तो एक अपने ही डिस्टेंस बना लेंगे आप पॉलिटी पढ़ने से, ठीक है। इसलिए आप कृपया जाएं, नोट्स है, नोट्स को अपने नोट्स का रिवीजन करें एक दो बार, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए अपने पहले क्वेश्चन से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर इन चैप्टर को आपने कवर कर लिया थ्योरी प्लस एमसीक्यू, तो मुझे नहीं लगता कि आपका किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटने जा रहा है। इवन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के भी क्वेश्चन जितने भी होंगे आप उनको सॉल्व करने के कैपेबल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? आंसर कीजिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीट का अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। आंसर कीजिए, ये यूपीपीसीएस 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितने भी 71 क्वेश्चन हम यहाँ कवर करेंगे वो सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं। सिर्फ एक चैप्टर से आप समझ सकते हैं कि 71 क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो ये चैप्टर कितना ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए, ठीक। तो चलिए सॉल्व कीजिए। तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये सारे जो जितने हम देख रहे हैं सारे को कवर किया हुआ है एज ए थ्योरी के रूप में, ठीक। अब जाके प्रीवियस वाले वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन या वेबसाइट या अपना खुद का नोट्स जो आप बनाए हैं उसमें आप पहले रिवीजन करें तब आंसर सॉल्व करें। किस अधिनियम में कलकत्ता में न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो हमने देखा रेगुलेटरी एक्ट 1773 में क्या किया गया था कि कलकत्ता में उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय का, ठीक। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? आंसर कीजिए, 1773, 1774 में, 1785 में, 1793 में। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे हुए 1994 में, बीपीएससी में ही देखे 2015 में भी क्वेश्चन पूछे हुए, सेम क्वेश्चन का पूछे हुए, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि बार बार रिपीटिशन भी क्वेश्चन का हो रहा है। 56 से 59th बीपीएससी, 39th बीपीएससी, ये सब जो एग्जाम में ये सब पूछे होंगे बीपीएससी के एग्जाम में। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे फ्रांसिस क्लैवरिंग सर एलिजा इम्पे मानसन। आंसर कीजिए कौन थे मुख्य न्यायाधीश। हमारा करेक्ट आंसर है सर एलिजा इम्पे। मुख्य न्यायाधीश जो थे सर एलिजा इम्पे थे जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था उसके जो मुख्य न्यायाधीश प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे इसके। ठीक चलिए हमने 1773 के एक्ट को देख भी देखा था और जब जिस समय हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे तो उस समय देखे थे कि दिखा दे 1773 में क्या क्या हुआ। बंगाल का गवर्नर जो था उसका जो है नाम पदनाम चेंज कर दिया गया। बंगाल को गवर्नर का बंगाल का गवर्नर ना बोला जाएगा अब क्या बोला जाएगा गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाएगा। ठीक अब पहला कौन था बंगाल का गवर्नर जनरल वो था वारेन हेस्टिंग। अब पूछा जाए लास्ट कौन था बंगाल का गवर्नर तो वो भी था वारेन हेस्टिंग लास्ट था। तभी तो जाके फिर बाद में यह जब पद सिर्फ पद चेंज हुआ ह्यूमन तो चेंज नहीं हुआ ना गवर्नर तो वहाँ का चेंज नहीं हुआ। ठीक तो क्या था वारेन हेस्टिंग आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल गवर्नर कौन था गवर्नर जनरल नहीं गवर्नर कौन था तो वारेन हेस्टिंग और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का तो वारेन हेस्टिंग। ठीक चलिए इनकी हेल्प के लिए हमने देखा था चार सदस्य टीम का परिषद का गठन किया गया था कौन थे उसमें फ्रांसिस क्लैवरिंग बारबेल मानसन। इसी तरह आप देखेंगे ये तो था गवर्नर जनरल की बातें कर रहा है बंगाल के गवर्नर जनरल की उसी तरह सुप्रीम कोर्ट जो स्थापित किया गया था वहां पे सर्वोच्च न्यायालय जो स्थापित किया गया 1773 के एक के अंतर्गत तो उनमें भी एक मुख्य न्यायाधीश और तीन जो अदर न्यायाधीश थे तो मुख्य न्यायाधीश जो थे वो सर एलिजा इम्पे थे। ठीक तो यहाँ दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना गवर्नर जनरल की एक अलग परिषद थी और सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय जो स्थापित किया गया 1773 में उनके भी एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अदर जज थे। जो अभी क्वेश्चन पूछा है वह जो था सर एलिजा इम्पे होगा हमारा आंसर। ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। UPPCS 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कौन सा निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है ना प्रथम बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आंसर कीजिए रेगुलेटिंग 1773 पीट्स का अधिनियम 1784 चार्टर एक्ट 1813 चार्टर एक्ट 1833 करेक्ट आंसर हमने देखा था प्रथम बार बंगाल का जो गवर्नर था वो गवर्नर जनरल बना दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया किस एक्ट के अंतर्गत हुआ था ये हुआ था 1773 के एक्ट के अंतर्गत का पूछा है UPPCS 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ सेम क्वेश्चन को देख रहे हैं बार बार रिपीटिशन में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए 40वां देखते हैं 40th ठीक है ना BPSC 1995 में क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या है रेगुलेटरी एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। आंसर कीजिए 1772 में 1774 में 1773 में 1778 में बिहार के लिए प्रांतीय सभा हुआ ऐसा कौन सा एक्ट था जिसके अंतर्गत जो है ना क्या किया गया बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना की गई तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ 1774। ठीक BPSC ने पूछा हुआ 1995 में हम देखते हैं हमने देखा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। ठीक 1774 में लागू हो गया इंप्लीमेंट हो गया एक साल बाद वो लागू हुआ पहले एक्ट आया 73 में फिर 74 में हुआ क्या वो लागू हो गया और क्या हुआ 74 में बिहार के लिए 74 में ही इस एक्ट का सहारा लेकर इस एक्ट को बेस वाहन बनाकर इसी एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत जो है बिहार में विधानसभा की स्थापना की गई प्रांतीय सभा की जो ना स्थापना की गई कब की गई 1774 में कहाँ बिहार में पहली बार बिहार में जो की गई पहली बार 1774 में की गई। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन का पूछा हुआ है UPPCS 1998 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी अभी हमने देखा था। ठीक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी किसके अंतर्गत की गई थी तो सिंपल सा है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा आंसर कीजिए अगर अभी आपने 5 क्वेश्चन को सही से समझा होगा तो आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। हमारा करेक्ट आंसर है रेगुलेटरी एक्ट 1773 के अंतर्गत जो है प्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कहाँ की गई थी कलकत्ता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 PCS 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाई गई थी काफ़ी ट्रिकी है
सोचना होगा, ठीक है ना, किस अधिनियम द्वारा बनाई गई थी, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय, ठीक, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, भारतवर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाई गई थी, पिट्स इंडिया एक्ट 1909 का एक, 1919 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम, इनमें से कोई नहीं, आंसर कीजिए, ध्यान से पढ़िए और इसको आंसर कीजिए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ 1773 नहीं दिया हुआ है, ई, सॉरी ई हो जाएगा, ठीक है, 1773 यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए सेवन क्वेश्चन हमने देखा, एट क्वेश्चन, उत्तराखंड पीसीएस 2012 में, अब देख रहे हैं जितनी पीसीएस एग्जाम है सारे में क्वेश्चन देखे तो यहाँ से आते हैं पॉलिटी से क्वेश्चन, इसलिए हमने इसको कंबाइन कर दिया है, वन डे टू पीसीएस, वन डे टू यूपीएससी के सारे जो है क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व कर सकते हैं, अगर एक बार इस चैप्टर को अच्छे तरह से कवर कर लिए तो आप फिर इस चैप्टर से क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, इसी तरह हम सारे चैप्टर को अलग अलग चैप्टर पॉलिटी में जितने चैप्टर है सबको, जितने भी अध्याय हैं सबको कवर करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे कि अगर आप एक बार पढ़ लें तो फिर दोबारा उस चैप्टर को पढ़ने की, सिर्फ रिवीजन और रिवीजन करने की, एक बार पढ़े नोट्स बनाए उसके बाद सिर्फ आपके पास एक ही समय काम बच जाता है, रिवीजन करो टेस्ट बनाओ, रिवीजन करो टेस्ट बनाओ। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, एलिजा एम्पे, कॉटनी, इल्बर्ट, इलफिलिस, फ्रांसिस, उपयुक्त में से कोई नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, कौन थे, वो थे हमारा एलिजा एम्पे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक, इसको हमने सॉल्व किया था। अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश कौन थे, चैम्बर्स, लिम्बेस्टर एवं हाइड, ठीक है ना, पहले कौन थे, मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा एम्पे, ठीक, या एलिजा एम्पे बोले उनको, और उनके साथ जो तीन और जज थे उनका नाम था चैम्बर्स, लिम्बेस्टर एवं हाइड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वन डे टाइप की तैयारी करते हैं तो इसको याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए ये, ठीक, बाकी यहाँ पे जो सबका आंसर दिया हुआ है आप देख सकते हैं, एक का हमने देखा है, दो का है, थ्री का है, सी, इस तरह जो है आप इसको देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किसके अंतर्गत हुआ था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किसके अंतर्गत हुआ था, रेगुलेटरी एक्ट 70, आपको पता नहीं है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किसके, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में, तो आप जाके पिट्स इंडिया एक्ट देख सकते हैं, वहाँ काफ़ी डिटेल में आपको दिया हुआ है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे हमें 71 क्वेश्चन, एक लगभग 71 क्वेश्चन को कवर करने हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप जाके अगर देखना है, अगर पता है तो ठीक है, नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखें या किसी और का वीडियो देखें या हमारे वेबसाइट पे जाके www.snkclasses.com पे जाके भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पे आप वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं या अपना खुद का नोट्स लेकर रिवाइज करें और देखें कि कब हुआ था बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, रेगुलेटरी एक्ट 1773, पिट्स का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, यूपीपीसी 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हमारा करेक्ट आंसर यह है यहाँ पे पिट का भारत अधिनियम 1784। चलिए 10 क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन में क्या है हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया, ठीक, यूपीपीसीएस 1990 में पूछा गया है, क्या पूछ रहे हैं, गवर्नर जनरल को, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को, ठीक है ना, आपको पता है कि गवर्नर जनरल के साथ मेंबर जो कितने होते थे, चार हुआ थे, 1773 में कितने हुए थे, 1773 का जो एक्ट बना था उसमें बना था गवर्नर, और गवर्नर के लिए हेल्प करने के लिए उन चार सदस्यीय एक परिषद की स्थापना की गई थी, वही पूछा जा रहा है यहाँ पे कि फिर देखें कि 1784 में जो पिट्स एक्ट आया तो इन मेंबर की संख्या घटा के कितनी कर दी गई, इन मेंबर की घटा के संख्या 3 कर दी गई, ठीक, आप याद रखें, ठीक, आगे चल के देखेंगे तो इसी में आप देखेंगे एक लॉ मेंबर को जोड़ा गया, जैसे जैसे हम आगे पढ़ रहे हैं फिर देखते जाएंगे उसको, ठीक, तो इसमें कहा गया कि जो मेंबर परिषद में जो मेंबर थे उसके निर्णय को गवर्नर चाहे तो निरस्त कर सकते हैं, मानने के लिए बाध नहीं होंगे, ठीक, तो ऐसा पावर जो शक्ति गवर्नर को किस एक्ट के अंतर्गत मिला था, इस क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है ना, आंसर कीजिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का एक्ट और चार्टर एक्ट 1813, यूपीपीसीएस 1990, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1786 का एक्ट, इसी एक्ट के अंतर्गत जो है पावर दे दिया गया था गवर्नर को, किया हुआ काउंसिल के, अपने काउंसिल के जो निर्णय हों उनको चाहें तो अस्वीकार कर सकते हैं वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कार्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था, ठीक, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे नाम दे दिया गया है, उस समय नाम नहीं दिया था गवर्नर जनरल को, इसमें नाम दिया गया लॉर्ड कार्नवालिस,
ठीक है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर आपको पता है, इससे पहले हमने देखा था, फिर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा 1786 कब पूछा हुआ, सिर्फ दूसरे एग्जाम में पूछा है तो पूछा है, यानी एक एग्जाम जो दूसरे आज मान लीजिए कि पीसीएस में यूपी में पूछे हुए, यूपी पीसीएस में पूछे हुए, हो सकता है कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करे तो वो बिहार जो बीपीएससी में पूछ दे, या उत्तराखंड पीसीएस में पूछ दे, या झारखंड पीसीएस में पूछ दे क्वेश्चन। तो सारे पीसीएस के एग्जाम को भी आपको क्वेश्चन को भी कवर कर लेना है, ताकि जो है एग्जाम में आपको क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक, चलिए 1776 का एक्ट है, आपको बता दें कि लॉर्ड कार्नवालिस ही पहला ऐसे गवर्नर था, ठीक, गवर्नर था जिसको यह सबसे पहली बार पावर दे दिया गया था कि काउंसिल के जो निर्णय होंगे उसको निरस्त करने का पावर उनको दे दिया गया था, पहला है लॉर्ड कार्नवालिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारे लिए जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा है यूपी आरओ में पूछे हुए, कब पूछा हुआ क्वेश्चन, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी आरए आरओ 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन कौन सा क्या है। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और यहां चीनी दिया हुआ है, चीनी नहीं होगा यहां पे, क्या होगा, चीन होगा, ठीक, मिस प्रिंट हो गया, मिस टाइपिंग हो गया समझे, तो आप क्या करें, चाय और चीन, चाय काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ये जो ऐसा है ना चाय और चीन, ये तो हर जगह आपको पॉलिटिकल क्वेश्चन में मिल जाएगा, चाय प्लस चीन, चीन देश है, कंट्री है, ठीक है ना। इसके एक अधिकार को छोड़कर कंपनी के व्यापारिक अधिकार, आपको पता है कि 1600 जब चली थी कंपनी ब्रिटिश से, ब्रिटेन से, तो सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी थी, व्यापार करने के लिए वो चली थी। बाद में आप देखेंगे कि युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद देखते हैं कि और वो पॉलिटिकल पावर भी उसको मिल गए, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि जो व्यापारिक अधिकार थे, तो व्यापारिक अधिकार में उनके व्यापारिक अधिकार को खत्म कर दिया गया, सिर्फ एक ही अधिकार रह गया उनको, एकाधिकार मतलब सिर्फ वो ही कर सकते हैं, बाकी दूसरी भी कोई कंपनी नहीं कर सकती है, ठीक है ना। एकाधिकार मतलब ये हो गया, ठीक, कि सिर्फ और सिर्फ वही कंपनी कर सकती है, अर्थात चाय और चीन के साथ एकाधिकार जो ब्रिटेन जो ईस्ट इंडिया कंपनी को था, इसका मतलब है चाय के साथ व्यापार और चीन के साथ व्यापार, सिर्फ अगर ब्रिटेन से कोई कंपनी आती है तो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन से कोई कंपनी आती है तो वो नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जो ये मिल चुका है, किसको मिल चुका है, ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार मिल चुका हुआ है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या कर रहा है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ एक व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, तो यहां हमारा आंसर है चार्टर 1813, चार्टर 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, इंडियन काउंसिल 1861। आप इसमें से हम एक ऑप्शन देखेंगे, उस ऑप्शन में जो है आपको, चलिए यहां पे आंसर ही बता देते हैं, अगर इतना है तो आप कर लीजिए, यहां पे करेक्ट आंसर है ए, चार्टर 1813। अब इसको समझते हैं, 1813 एक्ट आने से पहले सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन की ही, जो ब्रिटेन से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसी का एकाधिकार था व्यापार करने के लिए भारत में, ठीक, भारत में व्यापार करने का एकाधिकार, या जिस ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे देखें ईस्ट वाले साउथ में इंडिया में के आसपास के इलाकों में, आसपास के जितने भी देश हैं, ब्रिटिश की, ब्रिटेन की कंपनी, सिर्फ उन्हीं का एकाधिकार था, ब्रिटेन की जो आएगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही एकाधिकार था सिर्फ व्यापार करने के लिए, बाकी ब्रिटेन की कोई कंपनी वहाँ आके व्यापार नहीं कर सकती। लेकिन 1813 एक जो एक्ट आया उसमें सिर्फ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय और चीन के एक साथ एकाधिकार को छोड़ दिया गया, ठीक, बाकी जितने भी अधिकार एकाधिकार थे उसको हटा दिया गया, अर्थात अब यूँ समझे कि अब ब्रिटेन से और सारी कंपनियां आ सकती है, व्यापार कर सकती है, लेकिन जितनी भी कंपनियां आएंगी वो कंपनियां चाय के साथ व्यापार नहीं करेंगी और क्या करेंगे, चीन के साथ उसका व्यापार, चीन के साथ व्यापार नहीं करेंगी, वह सिर्फ और सिर्फ किसका अधिकार है, वह अधिकार है ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन आने वाले एक्ट में भी देखेंगे कि ये चाय और चीन के साथ जो है एकाधिकार इसको भी समाप्त कर दिया जाता है, ठीक, तो याद रखें काफी इंपॉर्टेंट है, इसको काफी डिटेल में भी हमने देखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया, अभी हमने देखा क्या हुआ, सेम क्वेश्चन देखिए यूपीपीसीएस 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ, देख एक सेकेंड बार देखते हैं यूपीआरओ में पूछा गया और देखे दूसरी बार देखें आप 2015 में, ठीक, नेक्स्ट आप देखें तो कितने सालों का गैप है, तो हम देखते हैं यहां पे 2018, ठीक,
यूपीआर 15 में पूछा गया यह क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके 2018 में यूपीआर में क्वेश्चन वो पूछ दिया गया। तो देखते हैं, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया, ठीक, कौन सा है? अभी हमने देखा कौन सा है, 1813 का एक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, ठीक, अर्थात ये कंप्लीटली समाप्त की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे 1833 भी हो सकता है, लेकिन हमारा यहाँ आंसर होगा 1813 में कर दिया गया, ठीक। अगर दिया रहता पूर्णतः तो आप 1833 इसका आंसर होता, चलिए तो 1813 यहाँ पे इसका आंसर हुआ, पूर्णतः दिया रहता, पूर्णतः कंप्लीटली हटा दिया गया तो हमारा क्या होता, 1833 होता। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम, चार्टर एक 1833 क्या पूछा हुआ, यूपी, ये पूछा हुआ यूपीएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ, यूपीएससी कब पूछा हुआ है, यूपीएससी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ, यूपीएससी चार्टर अधिनियम 1813 देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है, इसने ईसाई मशीनरियों द्वारा भारत में प्रचार करने पर रोक लगा दी, पहला स्टेटमेंट, इसने भारत के औद्योगिकरण पर जोर दिया, इसके द्वारा भारतीयों के शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया, इसके द्वारा भारत में रेल तंत्र विकसित करने की स्वीकृति दी गई, स्वीकृति दी गई, आंसर कीजिए हमारा, तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे, इसने ईसाई मशीनरियों द्वारा भारत में प्रचार करने पे रोक लगा दी, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक। भारत चार्टर अधिनियम 13 के अधिनियम महत्व समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है, क्यों ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक। तो हमने ईसाई मशीनरियों को देखा, आप प्रीवियस वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, या आपको यहां बता देते हैं, ईसाई मशीनरियों द्वारा भारत में प्रचार करने पर रोक लगा दी, ठीक, ऐसा नहीं है, इन्हें तो छूट दे दिया गया, इस एक्ट के अंतर्गत ईसाई मशीनरियों को भारत में आने के लिए छूट दिया गया, ना कि उनको रोक लगा दिया, पहली बार ईसाई मशीनरियों को आने के लिए जो है छूट दिया गया, वो आ सकते थे यहाँ पे, आकर अपने धर्म के प्रचार कर सकते थे। यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है, इसके द्वारा भारतीय की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था, ये ही हमारे लिए आंसर है, सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, वित्तीय प्रावधान किया गया था किसके लिए, शिक्षा के लिए किया गया था, ठीक, इसलिए यह एक जो है इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ईसाई मशीनरियों के आने के लिए भी अगर दे दिया गया था, छूट दे दी गई थी, स्वीकृति दे गई थी कि दे दी गई थी, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन पूछ रहा वहाँ तो दे दिया, रोक लगा दी गई थी, लेकिन यही अगर यहीं पर दिया रहा था कि स्वीकृति दे गई, तो ये भी आंसर हमारा, ए भी आंसर हमारा, ये जो ऑप्शन है वो भी सही होता, लेकिन यहाँ तो कह रहा है रोक लगा दी, तो ये गलत हो गया हमारा, बाकी ये दो प्रावधान उसमें नहीं थे, भारत के औद्योगिकरण पर जोर दिया गया, रेल तंत्र का विकसित किया गया, ये सब उसमें नहीं थे, इसके द्वारा भारतीय शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, हमारा करेक्ट आंसर सी है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पहले वाले समझे होंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सीधे से आप समझ जाए कि 1813 का चार्टर अधिनियम, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी, कब पड़ी थी, 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा, ठीक। चलिए सेम टॉप देख रहे हैं आप, थोड़े से उसको जो है थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आपको क्वेश्चन दे दिया जा रहा है, 1813 का चार्टर अधिनियम जो आया था, प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया था इसके अंतर्गत, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, UPPCS 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, किस अधिनियम ने भारत में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, ठीक, भारत में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, आंसर कीजिए, हमारा करेक्ट आंसर है चार्टर एक्ट 1833, ठीक, भारत में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, 1833 का इम्पोर्टेंट काफ़ी इसलिए हो जाता है कि इसमें ही पहली बार ये प्रावधान किया गया था कि रंग भेद जाति, ठीक है ना, वंश के आधार पे किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा, किसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी में, अर्थात कंपनी में, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी में, ठीक, अगर आप
काम करना चाहते हैं, ठीक, अगर आप कैपेबल हैं तो आपको जॉब मिलेगी, चाहे आप ब्रिटेन के नागरिक हो चाहे आप भारतीय हो, आपको जॉब मिलेगी। अगर क्वालिटी आप में है तो आपको, कैपेबल हैं तो आपको वो जॉब मिलेगी। लेकिन अब देखिए यहाँ पे, तो लेकिन आपको रंग भेद जाति इस सब के आधार पे पक्षपात नहीं किया जाएगा। तो सेम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके पूछ रहा है, भारत ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ लेने का हिस्सा संभव बनाया, क्यों, क्योंकि वो एक्ट आ गया, उस एक्ट में ऐसा प्रावधान कर दिया गया, अब पक्षपात नहीं कर सकते हैं आप, ठीक। तो आप कंपनी में जॉब करने के लिए अगर कैपेबल हैं तो आप जॉब पा सकते हैं वहाँ, ठीक। इन सबको हमने काफ़ी डिटेल में पढ़े हैं प्रीवियस वाले वीडियो में, इसलिए आप अगर नहीं पढ़े हैं तो जाके वेबसाइट पे भी आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पे SNK क्लास www.snkclasses.com। 17वां क्वेश्चन, चार्टर एक 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों का समापन, काउंसिल में एक परम सत्ताधारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना, काउंसिल के गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना, गवर्नर जनरल के काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति करना। IAS 2003 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ, काफी सिंपल है, सो सिंपल है, सीधे ये स्टेटमेंट दे दिया। अगर 1833 का चार्टर अधिनियम सही से पढ़े होंगे, नोट्स बनाए होंगे, रिवीजन किए होंगे, ठीक, या मेरे वाले वीडियो देखे होंगे, तो आप इस क्वेश्चन को काफी आसानी से कर सकते हैं, इसमें कुछ डाउट नहीं है आपको, नहीं होना चाहिए, सिंपल सा है। इन्होंने देखिए भारतीयों की नियुक्ति, सब स्टेटमेंट सही है, ए बी भी सही है, सी भी सही है, विधि सदस्य के रूप में भारतीयों को नहीं, यहाँ पे जो थे वो ब्रिटेन के थे, ठीक, मैकाले को यहाँ पे एज ए लॉ मेंबर के रूप में उनकी काउंसिल में नियुक्त किया गया था। अब मेंबर की संख्या कितनी हो गई, हमने क्या देखा, 1773 गवर्नर जनरल प्लस 4 सदस्य, फिर 1784 का एक्ट आया और 3 सदस्य कर दिया गया, 1833 में क्या किया गया, 3 सदस्य प्लस 1 मेंबर को इंक्लूड किया गया, वो मेंबर कौन थे, वो विधिकर्ता थे, ठीक है ना, उसको लॉ मेकर थे, ठीक है ना, तो उसका नाम क्या था, विधि सदस्य के रूप में उनका नाम था लॉर्ड मैकाले, और इसमें प्रावधान था कि वो भारतीय नहीं होगा, कोई भी होगा तो ब्रिटेन का नागरिक होगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, भारतीयों की नियुक्ति, नो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार खो दिए, हमने इसे पहले देखा था, सिंपल सा आंसर है, ठीक, 1800 इसमें हमें आप खोजना है, सिंपल सा 1833, ठीक, चाय का भी खो दिया, 1813 तक तो चाय का था, और एक आया तो चाय और चीन के साथ था, लेकिन अब चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिए, कब खोए, तो 1793 दिया है, 1813 दिया है, 1853, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये भी अधिकार खो दिए, अर्थात 1833 आते आते उनके सारे जो एकाधिकार थे कंप्लीटली समाप्त हो गए, ठीक। UPPCS का पूछा हुआ है, UPPCS 2015 में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागरिक परीक्षाओं के लिए, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया, ठीक, 1833 में, 1853 में, 1858 में, 1882 में, 46 BPSC 2003 में यह क्वेश्चन पूछे हुए हैं। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया, ठीक, आंसर कीजिए, हमारा करेक्ट आंसर होगा 1853। प्रयास तो किया गया था सिविल सर्विसों के लिए, जो भारतीयों को भी इंक्लूड करने के लिए, वो आप देखिए तो 1833 में ही प्रयास कर दिया गया था, लेकिन काफ़ी विरोध होने के कारण, ठीक है ना, परिषद के सदस्य काफ़ी विरोध किए, और सारे विरोध होने के कारण क्या किया गया, 1833 में वो प्रावधान नहीं लाया गया, लेकिन 1853 आते आते जो एक्ट आया इसमें जो है वह सिद्धांत मतलब ऑफिशियली लीगली जो है अब ये प्रावधान कर दिया गया कि प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली में सिद्धांत स्वीकार कर लिया, यानी कि अब भारतीय जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस कम्पिटेटिव एग्जाम में, सिविल सर्विस के एग्जाम में, ठीक है ना, कब पूछा हुआ एग्जाम में, BPSC 2023 में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया, क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया, आप पहले हम समझा देते हैं आपको कि गवर्नर जनरल प्लस उसके काउंसिल में मेंबर थे, ठीक,
अब पहले क्या था कि एग्जीक्यूटिव वर्क भी यही करते थे, ठीक, कार्यकारिणी वर्क भी यही करते थे, लेजिस्लेटिव वर्क भी, विधि बनाने का वर्क भी यही करते थे। लेकिन इस एक्ट के जो एक्ट आया, इसमें से एक ऑप्शन है आपको, आपको आंसर करना है। उस एक्ट जब आया, ठीक है ना, पहले चलिए आंसर ही देख लेते हैं कि 1793 1813 का एक्ट, चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1833, UPPCS 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। हमारा करेक्ट आंसर है, आंसर कीजिए, हमारा करेक्ट आंसर 1853। तो 1853 में हमने क्या देखा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ओपन कर दिया गया, अर्थात भारतीय भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक ये देखा। दूसरा हम देखते हैं गवर्नर जनरल और उनके काउंसिल क्या था, क्या करते थे, कार्यकारिणी वाला काम भी करते थे, लेजिस्लेटिव वर्क भी करते थे, ठीक, कंबाइन ही करते थे, ठीक। इसमें क्या किया, सेपरेट कर दिया गया, दोनों वर्क को सेपरेट कर दिया गया, कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव वाला वर्क अलग और लेजिस्लेटिव वाला वर्क अलग कर दिया गया, ठीक। और लेजिस्लेटिव वर्क के करने के लिए एक विधान परिषद की स्थापना की गई। तो पहली बार भारत में कब की गई, तो किस एक्ट के अंतर्गत की गई थी, ये सब केंद्र की बातें हो रहा है, प्रांत में नहीं, ये सब केंद्र में किया गया, ठीक। आज के डेट में देखें तो आप देखें राज्यसभा लोकसभा जो बनती है, और ये क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, लॉ ही तो बनाते हैं ना, नियम ही बनाते हैं, विधि बनाते हैं, ठीक। तो इस तरह का प्रावधान जो देखने को मिलेगा आपको, कब किया गया, विधान परिषद की स्थापना की गई। तो वो क्या की गई, वो किया गया 1853 के एक्ट के अंतर्गत, चार्टर एक्ट 1853 के एक्ट के अंतर्गत पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई। क्यों की गई और उसको किया गया, पहले तो कार्यों को बांट दिया गया, लेजिस्लेटिव वर्क के लिए, लेजिस्लेटिव वर्क एग्जीक्यूटिव वर्क, लेजिस्लेटिव वर्क के लिए विधान परिषद की स्थापना की गई 1853 के एक्ट के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया। UPPCS 2010 में भी पूछा हुआ है, 2007 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 के चार्टर अधिनियम, 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। आंसर कीजिए, हमारा करेक्ट आंसर है 1858। इसी एक्ट के अंतर्गत जो है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, अब समझे कि कंप्लीटली भी समाप्त हो गई वो, ठीक है, उसकी जितनी भी पावर थी, ठीक है, अधिकार जो कर रहे थे वो सब खत्म, अब डायरेक्ट चला गया ब्रिटिश क्राउन में, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया भारत का शासन। कब गया, 1858 में। 1857 सिपाही विद्रोह, विद्रोह के बाद क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितनी भी जो यहाँ पे अथॉरिटी थी सारे को क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया, चला गया हुआ किसके पास, ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, यानी डायरेक्ट कंट्रोल भारत का चला गया किसके पास, ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अध्यादेश आज के डेट में भी देखते हैं गवर्नर या राष्ट्रपति जो है, कुछ सिचुएशन ऐसे बन जाते हैं, पढ़ेंगे जब आगे वाले चैप्टर नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कौन कौन सिचुएशन बनता है जिसमें गवर्नर जो है अध्यादेश या राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, तो उनमें देखेंगे तो जारी करने का शक्ति का प्रावधान किया गया था, किसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई थी गवर्नर को, ठीक, वो किसमें दिया गया था, 1833 के एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, UPPCS 1997, UDA 2001 में ये क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो प्रदान की गई 1861 में की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IAS 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अधिनियम ने सामूहिक कार्य संचालन के लिए के स्थान पर, सामूहिक कार्य संचालन के स्थान पर विभागीय या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया। थोड़ा सा देखिए वर्ड का मॉडिफिकेशन है, समझना पड़ेगा, ये तभी समझ सकते हैं जब आपने नोट्स बनाया है इस चैप्टर पे, उसको बार बार रिवीजन किए हुए हैं, ठीक है ना। सेम चीज़ें रहते हैं, वन डे एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं, आज जो IAS के एग्जाम सोल्व करेंगे उसमें थोड़ा सा मॉडिफाइड सेम बातों को थोड़ा सा घुमा दिया जाएगा, जैसे आप कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। क्यों क्रिएट इसलिए होता है कि आप नोट्स नहीं बनाते हैं, रिवीजन नहीं करते, तभी आपके पास इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात कर रहा हूँ, हमें क्या देखा कि पहले क्या होता था, कि पहले ये होता था कि गवर्नर और उनके काउंसिल सामूहिक रूप से मिलकर क्या बनाते थे, विधि बनाते थे। अब क्या कर दिया गया, 1853 में हमने देखा लेजिस्लेटिव वर्क को अलग कर दिया गया, देखा एग्जीक्यूटिव वर्क अलग और लेजिस्लेटिव वर्क जो है अलग कर दिया गया। अब यहाँ पूछ रहा है लेजिस्लेटिव वर्क के लिए यहाँ भी क्या कर दिया गया, विभागीय प्रणाली, लेकिन आज के डेट में जिस तरह मिनिस्ट्री देखते हैं ना,
ठीक, हेल्थ मिनिस्ट्री देखते हैं, जैसे करते आपको देखते हैं उस तरह के, जैसे मिनिस्ट्री जो देखते हैं जो बना दिया गया, तरह तरह के मिनिस्ट्री जो बनाया गया उसको जो है उस तरह का प्रावधान कब किया गया, अर्थात विभागीय प्रणाली कब शुरू की गई, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1861। हमने क्या देखा, 1861 में दो चीज़ें काफ़ी, अध्यादेश जारी करना और दूसरा है 1861 में विभागीय प्रणाली भी जो है ऑफिशियली, आप देखिए विभागीय प्रणाली इससे पहले ही शुरू हो गई थी 1861 से पहले ही, लेकिन ऑफिशियली जो है ना इस एक्ट ने है ना लीगली जो है सपोर्ट कर दिया, लीगली जो है प्रावधान कर दिया, कौन सा 1801 का, 18 इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने, इससे पहले थे ठीक, इससे पहले ही इस तरह की व्यवस्था थी लेकिन उसको लीगल सपोर्ट नहीं था, लेकिन 1801 आने से अब क्या हो गया, ये लीगल हो गया, लीगली सपोर्ट हो गया, अर्थात ये लीगली मेंशन हो गया ठीक, कानूनी तौर पर विधि तौर पर ये मेंशन हो गया। ये क्वेश्चन का पूछा हुआ है 2002 में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो विभागीय प्रणाली कब आई ठीक, 1861, अध्यादेश जारी करना 1861। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान पर बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त की गई, बजट पर बहस करने की शक्ति कब प्राप्त की गई, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, यूपी यूडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कब पूछा हुआ है 2002 में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपी यूडीए 2002 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। बजट पर बहस करने की शक्ति कब दी गई, तो ये दी गई भारतीय परिषद अधिनियम 1892, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेज ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन, परोक्ष निर्वाचन के शुरू प्रणाली की कब शुरुआत हुई ठीक है ना, निर्वाचन प्रणाली परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई ठीक है ना, 1909, 1861, 1867, 1892, यूपी पीसीएस 2016 में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1892। तो पूछे सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन का प्रावधान कब किया गया, किस एक्ट में किया गया, तो यह था 1892 का एक्ट ठीक, भारत परिषद अधिनियम 1892 इसका पूरा जो हो गया नेम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला, जितनी भी 1773 से लेके हमने देखा है 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक, अप्रोक्स यहां तक हमने 13 लेक्चर को कवर किया, इसके अंतर्गत दो तीन और आपको एक्ट भी मिलेंगे, अप्रोक्स देखें ना 16 से 17 एक्ट है और उनकी विशेषताएं हैं, इसमें से देखें तो थोड़ा वास्ट है, थोड़ा सा विस्तृत है ये चैप्टर, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं ठीक, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, एक से तो हार्डली एक दो दिन में आप इसको अगर सही से पढ़ेंगे, एक दो दिन में आप चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, जिससे आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि यूपीएससी के क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं ठीक है। तो यहाँ देखिए आईएएस 1999 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सबसे कम समय तक कौन सा एक्ट चला जितनी भी एक्ट है, तो उसमें से देखें तो 1909 का जो एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट, ये सबसे कम समय तक चला ठीक है ना, इसी को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मार्ले मिंटो सुधार और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ठीक है ना। तो हमने संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक ये चला, जितने भी एक्ट हैं वो किस तरह के थे, वो संविधान में ही तो चेंज करना चाह रहे थे ठीक है ना, इसलिए कह रहा संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमपीपीसी 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी ठीक है ना, सेपरेट इलेक्टोरेट या सांप्रदायिक व्यवस्था धर्म के आधार पर इलेक्शन किस अधिनियम में किया गया था ठीक है ना, भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। आंसर कीजिए, हमारा करेक्ट आंसर है मार्ले मिंटो सुधार 1909, इसी में पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई ठीक है ना, अर्थात मुस्लिमों के लिए की गई थी सबसे पहली बार शुरुआत मुस्लिम में की गई थी, फिर आने वाले एक्ट में देखें तो यूरोपियों के लिए, आंग्लो इंडियन के लिए ठीक है ना, वीकर सेक्शन के लिए, महिलाओं के लिए ठीक है ना, इन सब के लिए भी धीरे 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 आगे आने वाले एक्ट में किया गया सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट में यह था कि मुस्लिम ही, जैसे 1909 में जो प्रावधान किया गया था कि मुस्लिम ही खड़ा हो सकते हैं इलेक्शन में और मुस्लिम ही वोट कर सकते हैं ठीक, ऐसा इस तरह की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाएगी ठीक है ना। चलिए तो आगे हम देखते हैं कौन सा हमारा क्वेश्चन है,
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पर का आधार बनी। भारतीय सरकार अधिनियम, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनी। झारखंड पीसीएस 2011 ठीक 55th बीपीएससी 2011 झारखंड में पूछा हुआ है, अब बीपीएससी में भी ये पूछे हुए हैं 2011 में, ठीक है ना। तो आप आंसर करें इसका, तो करेक्ट आंसर है हमारा 1919 का आधार बनी, ठीक बी है। अर्थात सबसे पहले 1917 के आसपास में आप देखें, कोई भी एक्ट बनता है तो उससे पहले पहले सर्वे होता है, पहले एक बिल बनते हैं, ठीक है ना, एक रिपोर्ट बनता है और उसी रिपोर्ट को आप देखें तो संसद में पेश किया जाता है और उसके बाद ही जाके जब प्रेसिडेंट के साइन होते हैं तो वो जाके एक्ट में कन्वर्ट होती हैं, ठीक। तो यहाँ जो आप देखें तो सबसे पहले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट बनी, ठीक है ना, उसके बाद उसको ब्रिटिश संसद में दिया पारित किया गया, ठीक। उसके बाद जाके वह जो एक्ट बना उसी एक्ट को जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट बोला जाता है, या बोलिए भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक, दोनों सेम है, भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट या रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29वां नंबर। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर कीजिए लॉर्ड जॉर्ज, जॉर्ज हैमिल्टन, सर सैमुअल हॉर, लॉर्ड सेलिसबरी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर कीजिए, हमारा करेक्ट आंसर है लॉर्ड जॉर्ज। जिस समय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट या भारत अधिनियम 1919 जो पारित हुआ उस समय कौन थे, तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो ब्रिटेन के, वो लॉर्ड जॉर्ज थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये जो लॉर्ड जॉर्ज थे वो कब से कब तक थे? 1916 से लेके 1922 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे। इंपॉर्टेंट हो जाता है, फैक्ट है काफ़ी, आपको याद रखना है कि जिस समय 1919 का अधिनियम पारित हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रांतों में द्वय शासन प्रणाली डायआरकी किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? प्रांतों में 1892, 1909, 1919, 1935 यूपीपीसीएस दो बार पूछा हुआ है यूपीपीसीएस में, 2004 एंड 2005 में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। करेक्ट आंसर है हमारा 1919। प्रांतों में जो द्वय शासन लागू किया गया वो कब किया गया? 1919 के एक्ट के द्वारा लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2017 में पूछा हुआ है यूपीपीसीएस, 2017 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन डायआरकी सिद्धांत किससे निर्देशित करता है? अर्थात डायआरकी का मतलब क्या होता है, यह पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। तो केंद्रीय विधानमंडल का दो सदनों में विभाजन, केंद्रीय विधानमंडलों का दो सदनों में विभाजन। दूसरा है दो सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना, दो सरकार केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार का शुरू किया जाना, डायआरकी का मतलब यहाँ। दूसरा दो शासक समुच्चय, एक लंदन और दूसरा दिल्ली में, ठीक। प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का दो वर्गों में विभाजन, आंसर कीजिए, हमारा करेक्ट आंसर है प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन, अर्थात प्रांत प्रांतीय जो सब्जेक्ट थे उसको दो भागों में विभाजन के बाद उसको क्या बोलते हैं, उसी को डायआरकी कहा जाता है। जिसमें हमने देखा था जब 1919 के एक्ट हम लोग पढ़ रहे थे एक्ट, ठीक, उसमें देखा था कि जो प्रांतों को जो सब्जेक्ट मिले थे उसको दो भागों में बांट दिया गया था, कौन, एक थे आरक्षित विषय। अब उसमें हमने देखा था डिटेल से कि आरक्षित विषय पे कौन लॉ बना सकते थे, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और एक थे हस्तांतरित विषय,
ठीक, आरक्षित आशांतरी में आपको अगर डिटेल से देखना है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1919 के एक्ट का, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ पढ़ सकते हैं। चलिए तो हमने क्वेश्चन देखा 31 क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं IAS 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कब आया था? 1919 में। ठीक, सामाजिक सुधार से, शैक्षणिक सुधार से, पुलिस प्रशासन में सुधार से, संवैधानिक सुधार से, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से, किससे संबंधित है? तो हमारा करेक्ट आंसर है संवैधानिक सुधार से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, IAS 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? आंसर कीजिए, न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण 1919 का एक्ट में, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं वायसराय की शक्तियां, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर कीजिए, परिभाषित किया, स्पष्ट रूप से प्रभावित क्या बोलते हैं, परिभाषित कर दिया। आंसर कीजिए, हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। स्पष्ट देखें जो है दो भागों में जो पावर को बांट दिया गया, केंद्रीय केंद्र सरकार किस पे बनाएगी और प्रांतीय सरकार किस पे बनाएगी। यहाँ आप याद रखें 1935 में भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और 1919 में भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, दोनों में काफ़ी अंतर है। ठीक है ना, तो ये दोनों में काफ़ी क्लियर रहा है, आपका क्लियर विजन होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि 1919 में किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और 1935 में किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया पावर का दोनों के बीच में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, RAS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। 1919 के बारे में असत्य कथन, असत्य को देखना है। ठीक है ना, शब्द जब भी पढ़े तो अंडरलाइन करके पढ़ें, उसको संभावना कम रहती है गलत होने की। तो आंसर कीजिए, सुधारक इस अधिनियम के में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया। दूसरा है, भारत सरकार अधिनियम 1921 में लागू हुआ। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। RAS 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो यहाँ हमारा ये जो है असत्य है। ठीक है ना, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, ना कि मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार जो है वो 1909 का जो अधिनियम था उसको मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं। 1919 वाला जो एक्ट था उसको किस नाम से जानते हैं? उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि मॉन्टेग्यू उस समय भारतीय सचिव थे और चेम्सफोर्ड थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, वो भारत के वायसराय थे। इसलिए इन्हीं के नाम पे जो है ना, इन्हीं के नाम पे क्या हुआ कि 1919 के एक्ट को क्या नाम रख दिया गया, उनका दूसरा नाम भी है क्या, उसका नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट या भारत सरकार अधिनियम 1919, तीनों सेम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, MPPCS 2013 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, केंद्र में कौन सा एक द्विसदनीय विधायिका लाया? काफी इंपॉर्टेंट है, केंद्र में कौन सा एक द्विसदनीय विधायिका लाया? जो आज के डेट में देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा, इस तरह का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? तो 1961, 1917, 1919, 1915 का एक्ट, हमारा करेक्ट आंसर है 1919 का एक्ट में। ठीक, यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे देखें 1919 में प्रांत के लिए आप समझे,
जो उसके विषय मिले थे, प्रांत में दो विषय किए गए हैं, ठीक है। प्रांतों के जो विषय थे यानी स्टेट को जो लिस्ट मिले थे, जो सब्जेक्ट मिले थे, उसको दो भागों में बांटा गया। कौन से मिले थे सब्जेक्ट? आरक्षित और हस्तांतरित विषय। लेकिन सेंटर में क्या किया गया? सेंटर में दो सदन की व्यवस्था कर दी गई, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा की व्यवस्था कर दी गई। तो दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ लिस्ट का विभाजन हुआ, वहाँ बजाबते दो तरह की दो बॉडी बना दी गई, एक राज्यसभा एक लोकसभा। दो बॉडी कहाँ बनाई गई? केंद्र सरकार में। चलिए, अर्थात आज के डेट में आप समझे कि लोकसभा राज्यसभा का जो प्रावधान है वो 1919 में हुआ। यूपीपीसीएस 2008 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार दो सदनीय बनाई गई। सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या हुआ, आपको शब्दों को जो है घुमा दिया गया है। इसमें देखिए, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार दुई सदनीय बनाई गई। तो हमने क्या देखा था, कब बनाई गई थी? तो वह 1919 के भारत परिषद अधिनियम में बनाई गई थी, ठीक। 2008 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक। चलिए, सेम क्वेश्चन था वो, सिर्फ शब्दों का हेर फेर आपको देखने को यहां मिलेगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूपी यूडीए 1998 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्व सम्मिलित थे, अर्थात भारत जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया, इसमें से कौन कौन से प्रावधान किए गए थे? एक संघ का प्रावधान, प्रांतों को स्वायत्तता देना, प्रांतों में द्वि शासन की प्रस्तावना, केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता प्रदान करना। आंसर कीजिए, हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे ए, 1 और 2। संघ का प्रावधान किया गया था 1935 के एक्ट में, और प्रांतों को स्वायत्तता दिया गया था। 1919 में क्या किया गया? आरक्षित विषय और क्या किया गया? हस्तांतरित विषय किया गया। लेकिन 1935 में आते आते 1935 का जो एक्ट बना, आरक्षित जो हस्तांतरित विषय, अच्छा द्वय शासन की जो प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया गया, और क्या कर दिया गया? पूर्ण स्वायत्तता दे दी गई। किसको? प्रांतों को दे दी गई। ये दो प्रावधान है, द्वि शासन की प्रावधाना, केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता प्रदान करना, ये दोनों 1935 के एक्ट में नहीं थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? ठीक, जिस तरह हमने देखा था 1919 का एक्ट किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट पर आधारित था। भारत सरकार अधिनियम 1919 जो था वो उस पर आधारित था। उसी तरह आप देखें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? आंसर कीजिए, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, रॉलेट कमीशन, साइमन कमीशन। आपको बता दें कि कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, ये सब तो 1935 के बाद आए, तो ये तो होंगे नहीं, ठीक। रहा रॉलेट कमीशन, साइमन कमीशन, ये 1935 के एक्ट के पहले आए, ठीक। तो इनमें से कौन सा हो सकता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है साइमन कमीशन। 1927 से 28 के बीच में साइमन कमीशन का इशू आपको देखने को मिलेगा हिस्ट्री में, जब आप पढ़ेंगे, ठीक। रॉलेट कमीशन तो काफ़ी पहले ही आ गया था, तो ये नहीं होंगे, तो साइमन कमीशन हमारा करेक्ट आंसर होगा। 42nd 42वां बीपीएससी 1997 में भारत सरकार अधिनियम 1935 में समाप्त किया। आंसर कीजिए, प्रांतीय स्वायत्तता को, प्रांतीय द्वय शासन व्यवस्था को, भारत की संघीय संरचना को, जिम्मेदार केंद्रीय सरकार को। तो हमने अभी देखा प्रांतीय स्वायत्तता को खत्म नहीं किया, बल्कि यहाँ से लागू हो गया, शुरू हो गया 1935 से प्रांतीय स्वायत्तता, ठीक है ना। प्रांतीय द्वय शासन व्यवस्था इसको समाप्त किया गया। तो हमारा ये आंसर सही है, भारत की संघीय संरचना ये नहीं, जिम्मेदार केंद्रीय सरकार इसको भी नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी। 1900 यूपी लोअर में पूछे हुए 2015 में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, यूपी लोअर सब 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? आंसर कीजिए, ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, इसमें भारतीय विभाजन उल्लेखित है, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। गलत है, भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। बहुत सारे प्रावधान यहाँ से जो है ना, जो हमारा संविधान बना एक, उससे वहाँ से या लिया गया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो है बहुत सारे प्रावधान यहाँ से हम ये लिए हैं, कहाँ से?
तो वो लिए हैं 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम बना उससे लिए हैं। ठीक, स्वतंत्रता मिली, भारत को स्वतंत्रता मिली इस एक्ट के अंतर्गत नहीं मिली थी, इसका विभाजन नहीं, इसका विभाजन भी इसके अंतर्गत बात नहीं की गई थी, वो आने वाले जो आपको देखेंगे योजना थी उसमें की गई थी। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई नहीं, ये भी गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, यूपी लोअर सबॉर्डिनेट 2015 में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईएएस 2000 में काफ़ी सिंपल है। ठीक, आपको बता दें कि अगर आपने इस एक्ट को पढ़ा होगा तो आप आंसर आराम से कर सकते हैं, अर्थात भारत का संवैधानिक विकास को आपने पढ़े होंगे तो आप इसको आराम से इजीली वे में कर सकते हैं। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। आईएएस वाले क्वेश्चन में अधिकांश आप देखेंगे सही नहीं है, सही है स्टेटमेंट दे देंगे, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है ना, कि पहले देखना है कि सही नहीं पूछ रहा है या हाँ पूछ रहा है, ठीक है ना, सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है। ठीक, काफ़ी पांच इस तरह देखेंगे तो आप काफ़ी क्वेश्चन को सही कर पाएंगे, नहीं तो चार पांच क्वेश्चन तो गलत कर ही लेना अगर सही नहीं देख पाए तो, नहीं है, है, ये सब नहीं देख पाए तो। केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में दो शासन, द्विसदनीय विधानमंडल, प्रांतीय स्वतंत्रता, एक अखिल भारतीय संघ, कौन से कथन सही नहीं है। ठीक, आंसर कीजिए। तो यहाँ हम देखते हैं अखिल भारतीय संघ की बात की गई है, बिल्कुल सही है, प्रांतीय स्वायत्तता बिल्कुल सही है, द्विसदनीय विधानमंडल ये भी बिल्कुल सही है। ठीक, इसमें जो है द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी। अब यहाँ देखिए केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में दो शासन, ये गलत है। ठीक, आप देखें तो 1919 में ही दो शासन की व्यवस्था कर दी गई थी प्रांत में, लेकिन ये क्या रहा 1935 में केंद्र में और राज्य में, नहीं ये गलत हो गया, तो हमारा ए आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2002 आईएएस पूछा हुआ, ये भी सिंपल है, बिल्कुल कंप्लीट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पता है, आप आंसर कर लीजिएगा। 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की अलसी मंशा क्या थी, उनको क्यों शामिल करना चाहते थे। ठीक है ना, आपको बता दें कि फेडरल यूनियन बनाने की बात की गई थी 1935 में, जिसमें किसको किसको शामिल की बात की गई थी, बात की गई थी कि जितने भी राजसी प्रांतें हैं, ठीक, जो राजाओं के द्वारा जो प्रांत चलाए जा रहे हैं वो, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रांत है वो सब मिल के एक प्रांत बनाएं, ठीक है ना, एक यूनियन बनाएं, 1935 में बात की गई थी। लेकिन यह यूनियन नहीं बन सका, क्यों, क्योंकि रियासतें जो थी वो मना कर दी, ठीक, अर्थात राजाओं ने मना कर दिया इनमें शामिल होने के लिए इस यूनियन में। ठीक, तो यहाँ हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि क्यों ऐसी व्यवस्था की गई थी 1935 के एक्ट में, राजसी प्रांतें पर और अधिक राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रित रखने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट और अधिक नियंत्रण करना चाहती थी क्या रियासती प्रांतों को, इसके लिए रखी थी, पहला स्टेटमेंट। उपनिवेश के प्रशासन को राजाओं को सक्रिय रूप से शामिल करना, ठीक, प्रशासन के राजाओं को जो और एक्टिव बनाने के लिए शामिल करना, क्या ऐसा प्रावधान था, ऐसा करने के लिए किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट, अंग्रेज द्वारा समस्त राजसी प्रांतों के संपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक अधिग्रहण को अंततः प्रभावित बनाना, नहीं, ये भी ये स्टेटमेंट है। चौथा, राष्ट्रवादी नेताओं में साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना, आंसर कीजिए। हमारा करेक्ट आंसर है डी। उस समय देखते हैं कि राष्ट्रवादी और साम्राज्यवादी, साम्राज्यवादी विरोधी, साम्राज्यवाद जो ये सब चीज़ें थी काफ़ी उस समय जो एक्टिव थी, तो इन्हीं को दबाने के लिए ये जो राष्ट्रवादी जो क्या बोलते हैं राष्ट्रवादी नेताएं और साम्राज्यवादी साम्राज्य विरोधी, ठीक है ना, जो मूवमेंट चल रहे थे इन्हीं को दबाने के लिए उन्होंने, अंग्रेजों ने एक प्लान बनाया था, किसका, संघ बनाने की बात की थी, फेडरल यूनियन बनाने की बात की थी और उसमें रियासतों को इंक्लूड करने की बात की थी। तो यह हमारा डी जो है आंसर होगा उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, UPPCS 2007 में ये क्वेश्चन पूछा होगा, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, SC बोस, सुभाष चंद्र बोस, आंसर कीजिए। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी का स्टेटमेंट था कि एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, किसको, कौन से एक्ट के बारे में बोल रहे थे, वह 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम था उस उन्हीं के बारे में बोलते हैं कि यह ऐसा एक्ट है जिसमें एक्ट है जो एक कार एक कार जैसा है जिसमें ब्रेक तो है उसमें पर इंजन नहीं है।
44 देखते हैं, MPPCS 2017 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था, संवैधानिक निरंकुशता सिद्धांत को इंट्रोड्यूस किया गया था, 1919 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। आंसर कीजिए, हमारा करेक्ट आंसर है 1935 का भारत सरकार अधिनियम, इसी को ही बोला जाता है संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत, इस एक्ट के अंतर्गत क्या क्या इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 45 IAS 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई। काफी सिंपल क्वेश्चन है, कंप्लीटली पता होगा, सिर्फ टिक करना है, सिर्फ ऑप्शन चुनना है, ठीक है ना। अवशिष्ट शक्तियां आज के डेट में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन उस समय में किसको दी गई थी अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को, प्रांतीय राज्यपालों को। काफी ट्रिकी है लेकिन सिंपल है, आंसर कीजिए, हमारा करेक्ट आंसर है गवर्नर जनरल को। काफ़ी बच्चों ने जब इसी समय एग्जाम हुआ था 2018 में, काफ़ी बच्चों ने संघीय विधानमंडल को मारे थे, जो गलत था आंसर। तो उस समय किसको मिला था, गवर्नर जनरल को, जो अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है UPPCS 2014 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। एक भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर कीजिए, ट्रिकी है लेकिन आसान है, हमारा करेक्ट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। हमने देखा था संघीय न्यायालय की जो स्थापना है 1935 के एक्ट के अंतर्गत की गई थी। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय न्यायालय के निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। संघीय न्यायालय हमने देखा था 1935 में प्रावधान किया गया था, 1935 के एक्ट के अंतर्गत, 1935 भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रावधान किया गया था संघीय न्यायालय की, लेकिन स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना 1935, 1937, 1946, 1947, हमारा करेक्ट आंसर है 1937 में हुआ था संघीय न्यायालय की स्थापना, लेकिन प्रावधान 1935 के एक्ट के अंतर्गत था। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था, UPPCS 2008 2014 दोनों में पूछा गया है, 1909 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आंसर कीजिए, हमारा करेक्ट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है ना केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था, 1919 प्रांत में द्वैत शासन की व्यवस्था और 1935 में केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था, सेम जो प्रोसेस 1919 में जो प्रांतों के लिए की गई थी, सेम 1935 में प्रांत व्यवस्था की गई थी हस्तांतरित और आरक्षित विषय लागू करने के लिए, क्या किस में, केंद्र में, लेकिन यह कभी लागू हुआ नहीं, लेकिन प्रावधान किया गया था उसमें, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर कौन सा है, सी, ठीक, केंद्र में 1935, अगर प्रांत में पूछे तो हमारा आंसर होगा 1919। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमने क्या देखा 48 तक हमने कवर कर लिया, अब 49 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का पूछा हुआ है UPPCS 2008 में पूछा हुआ है, राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, मोटिवेटेड है कहां से, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1947। यहां आपको याद रखना है दो चीज हमने देखा था, एक हमने देखा था 1861 में भी अध्यादेश जारी करने की बात की गई थी, और यहां अब आप यहां पे हालांकि 1861 दिया हुआ नहीं है, दोनों में काफी डिफरेंस है, ठीक है ना। तो यहां आंसर कीजिए, हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा भारत सरकार अधिनियम 1935, जो आज के डेट में जो प्रेसिडेंट जो है क्या करते हैं, वो अध्यादेश जारी करते हैं, वो कहां से लिया गया या कहां से मोटिवेटेड है या कहां से प्रेरित है, तो वो है अधिनियम 1935 का अधिनियम। 1861 में भी देखा था, लेकिन वहां शब्दों का जब देखें वहां पे गवर्नर जनरल की बात कर रही है कि गवर्नर जनरल को अधिकार कब मिला था, तो मिला था 1861 में मिला था कि अध्यादेश जारी करने के लिए। यहां कह रहा है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश, आज के डेट में जो राष्ट्रपति को जो मिला हुआ है वो कहां से प्रेरित है, तो वो प्रेरित है
भारत सरकार अधिनियम 1935। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? बी है। और कब कब पूछा हुआ क्वेश्चन? यूपीपीसीएस 2008 में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आरएएस 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, राजस्थान में पूछे हुए, राजस्थान पीसीएस आप बोल सकते हैं, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या राजस्थान पीसीएस में पूछा हुआ 2016 में। निम्नलिखित में से एक भारत का सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं थी। फिर देखें, यहाँ देख रहा है कि 1935 में ये प्रावधान नहीं किया गया था। कौन? एक अधिनियम में अखिल भारतीय महासभा महासंघ का प्रावधान था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। जब प्रांतीय स्वायत्तता को सूत्रपात का संकेत था, इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। तो यहाँ आंसर कीजिए, तो हम देखते हैं कि इसने अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, तो यह बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है ना। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधानसभा को आवंटित किए गए थे, ये गलत है, ठीक है। तो हमारा यही आंसर निकल के आया था। बाकी आप देखें तो ये प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी 1935 के एक्ट में, द्वैत शासन भी 35 के एक्ट में खत्म किया गया था, ठीक, प्रांतों में, ठीक है। तो यहाँ देखें करेक्ट स्टेटमेंट जो है हमारा आंसर कौन सा जाएगा, अवशिष्ट तख्तियार हमने किसको देखा था, दिया गया था गवर्नर जनरल को दिया गया था 1935 के एक्ट के अंतर्गत, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आईएएस 2002 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिंपल है। भारत में संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? आपको बता दें कि लिस्ट जो आज के डेट में देखते हैं, केंद्रीय लिस्ट, स्टेट लिस्ट, अवशिष्ट शक्तियाँ, ठीक, ये सब जो बातें आप देखते हैं, लिस्ट जो देखते हैं 7th शेड्यूल में, आज के डेट में देखेंगे आप 7th शेड्यूल में वो जो बात की गई थी, उस तरह का जो विभाजन किया गया था वो कब किया गया था? तो वो किया गया था मार्ले मिटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सपुर अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। हमारा करेक्ट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 में यह व्यवस्था की गई थी, अर्थात केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन आप 1919 में भी देखते हैं, ठीक, तो वहाँ आप देखेंगे, आप ऐसा समझे, सिंपल वे में आप समझा रहे हैं आपको, तो सिंपल वे में ये है कि वहाँ सिर्फ दो लिस्ट की बात की गई थी, स्टेट और क्या बोलते हैं उस स्टेट को और केंद्र की बात की। लेकिन यहाँ पे आपको देखिए समवर्ती सूची, उनको आपकी बात हो, समवर्ती सूची भी थी, और उसके बाद देखें अवशिष्ट शक्तियाँ भी थी, अर्थात यहाँ देखें केंद्र के लिए अलग सूची, राज्य के लिए अलग, समवर्ती सूची, उसके बाद आप देखें अवशिष्ट शक्तियाँ। तो यहाँ चार तरह के आप देखते हैं कि लगभग आपको देखने को मिल रहा है, वहाँ आप दो ही देखे थे 1919 के एक्ट में जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ दो केंद्र और प्रांत, लेकिन यहाँ चार कर दिया गया, केंद्र, प्रांत, समवर्ती और अवशिष्ट कर दिया गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूपीपीसीएस 2010 में पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है, ठीक है ना, अर्थात इसमें से कौन सा एक्ट है ऐसा इसमें जो पॉइंट है जो 1935 के एक्ट में नहीं था। देश के लिए अखिल लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचन एवं जवाबदेही प्रतिनिधि, एक संघ की योजना का विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी 10 सदस्यों का सदस्य समावेश नॉमिनेट किया जाना। तो यहाँ सिंपल सा हमारा आंसर होगा ए नहीं था। लिखित संविधान की व्यवस्था तो आप बाद में देखेंगे किया गया था, लेकिन ये बाकी जो तीन स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए, यह प्रावधान 1935 के एक्ट में नहीं था। आगे देखते हैं यूपीपीसीएस, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा को भारत से अलग किया गया? यूपीपीसीएस 2011, वर्मा को भारत से अलग किया गया किस एक्ट के अंतर्गत किया गया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो हमारा करेक्ट आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत जो है भारत को बर्मा से अलग किया गया। बर्मा आज के डेट में देखिए म्यांमार को ही उस समय बर्मा बोला जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आईएएस 2010 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या है? 1793 में एक विनियमन द्वारा जिला कलेक्टर को
उनकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया, ऐसा विनियमन का कारण था। क्वेश्चन क्या है, 1793 में एक लाया गया जिसके अंतर क्या क्या किया गया, जिला कलेक्टर को पहले इससे पहले काफ़ी पावर थे, ठीक है ना, तो उन पावर को हटा दिया गया, बहुत सारे पावर उनसे ले लिए गए और उनको सिर्फ कलेक्शन का अधिकार दे दिया गया, अर्थात रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार उन्हें दे दिया गया, केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसा क्यों किया गया, ठीक, तो यह ऐसा क्यों किया गया, तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है हमारे। लॉर्ड कार्नवालिस ने महसूस किया कि जिला कलेक्टर की राजस्व संग्रहण की दक्षता अन्य कार्यों के बोझ न रहने से बहुत अधिक बढ़ जाएगी, ठीक है ना। लॉर्ड कार्नवालिस जो इन्होंने महसूस किया कि इतने सारे कार्य रहने से क्या हो जाएगा, उन पर एक बर्डन हो जाएगा, इसलिए जिला कलेक्टर को जो जितने अधिकार थे उसके अधिकार, बहुत सारे अधिकार उनसे ले लिए गए, ये कारण था क्या, इसलिए ऐसा किया गया। दूसरा, लॉर्ड कार्नवालिस ने महसूस किया कि न्यायिक शक्ति अनिवार्य रूप से यूरोपियों के हाथ में होनी चाहिए, जबकि जिलों में राजस्व संग्रह कार्य भारतीयों को सौंपा जा सकता है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि न्यायिक कार्यालय, उन्होंने सोचा कि न्यायिक कार्यालय जो है वो यूरोपियों के हाथ में होना चाहिए और रेवेन्यू कलेक्शन का जो राजस्व संग्रहण का जो है वो भारतीयों के हाथ में सौंपा जाना चाहिए, इसलिए यह सोचकर उन्होंने ऐसा किया, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा है, लॉर्ड कार्नवालिस जिला कलेक्टर में इतनी विशिष्ट शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति अवांछनीय है। वह लॉर्ड कार्नवालिस ये महसूस कर रहा था कि इतनी सारी पावर एक व्यक्ति में नहीं होना चाहिए, या क्या ये कारण था, जी है आंसर, न्यायिक अर्थ के लिए भारत का गहरा ज्ञान और कानून में अच्छा प्रशिक्षण होना आवश्यक था और लॉर्ड कार्नवालिस ने महसूस करता था कि जिला कलेक्टर को केवल राज संग्रह होना चाहिए, ठीक, वह ऐसा महसूस करता था लॉर्ड कार्नवालिस कि न्यायिक व्यवस्था के लिए एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है ना, और राजस्व कलेक्शन के लिए एक अलग ही व्यवस्था होनी चाहिए, दोनों जो है एक स्पेशलाइजेशन होना चाहिए दोनों में, लेकिन क्या ये कारण था, डी आपका ऑप्शन दे रहा है, लेकिन हमारा करेक्ट आंसर देखें तो सी होगा। लॉर्ड कार्नवालिस को यह महसूस हो गया था कि वो महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी पावर नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया और जिला अधिकारी को, जो जिला कलेक्टर को सिर्फ क्या कर दिया गया, सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन के पावर की बात की गई, ऐसा विनियमन का कारण था, समझे, उन्होंने इसलिए लाया था, क्यों लाए थे वो विनियमन, इसलिए लाए थे कि वह एक व्यक्ति में इतनी पावर नहीं देखना चाहते थे। यूपी यूडीए 2010 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, 55वां क्वेश्चन देख रहे हैं, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई, इंग्लैंड में भी और भारत में एक साथ परीक्षा हो, ठीक है ना, पहले क्या होता था, भारत में अलग समय पर होता था, इंग्लैंड में अलग समय पर होता था, दोनों का डेट एक नहीं थे, लेकिन इसमें से कौन सा ऐसे आयोग थे जिसने रिपोर्ट में कहा था कि दोनों की परीक्षा एक साथ होनी चाहिए, तो एचिसन आयोग द्वारा, हब हाउस आयोग द्वारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा, लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा, तो हमारा करेक्ट आंसर है एचिसन आयोग द्वारा। लोकसभा की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न से किसके द्वारा की गई थी, तो वह की गई थी, एचिसन आयोग ने कहा था कि इंडिया में और इंग्लैंड में दोनों में एक साथ ही एक ही समय में एक ही डेट पे एग्जाम होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची वन को सूची टू से सुमिलित करना है, ठीक है ना, मिलाना है इसमें, इस तरह के क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड काफ़ी वर्क करता है, एलिमिनेशन मेथड देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो इसमें है सूची वन सूची टू, इसमें पहला ए स्टेटमेंट, नियंत्रण परिषद की स्थापना नियामक अधिनियम 1773, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पिट का भारतीय अधिनियम 1784, ईसाई मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813, गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833, अर्थात दो सेक्शन में बांट दिया गया है, सूची वन सूची टू, सूची वन को सूची टू से सम्मिलित करना है जो उसे सही है। तो हम देखते हैं कि नियंत्रण परिषद की स्थापना, हमने देखा था नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1784 में हुई थी, ठीक है ना, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत हमने इसको देखा था, ठीक, तो हम देखते हैं ए का हमारा आंसर होना चाहिए कौन, टू, तो ए का देखते हैं, ए का टू कौन सा है, यानी ये हो सकता है, डी हो सकता है, यानी ए ऑप्शन नहीं हो सकता है हमारा, सी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है, जब भी होगा तो या तो बी होगा या तो डी ऑप्शन होगा, एक से, तो ये एलिमिनेशन मेथड है, जो नहीं है उसको काटो, जो है उसको सेलेक्ट करो, ठीक। अब दूसरा देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था
हमने देखा था 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ देखें ए अर्थात बी का वन देखते हैं, तो बी का वन कहाँ दिया हुआ है, तो बी का वन जो देखें आप तो बी में दिया हुआ है ठीक, और डी में देखें तो फोर दिया हुआ है। अर्थात आप यहाँ देखें तो हमारे दो फैक्ट जानने से ही हमारा आंसर आ जा रहा है, यानी हमारा करेक्ट आंसर है बी ठीक। अब आगे भी हमको चेक कर लेना चाहिए, कभी कभी यूपीएससी के एग्जाम में दो मिलने के बाद भी आंसर ना करें, उसको जाके आगे भी चेक कर ले, हो सकता है कि बाय मिस्टेक आपने पहले वाला जो ऑप्शन चूज किया होगा वो हो सकता है कि आप गलत चूज कर लिए होंगे ठीक। तो थ्री और फोर को भी मिलाते हैं, सी में देखते हैं क्या है। ईसाई मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब दी गई, तो ईसाई मशीनरियों को चार्टर्ड एक्ट यानी अर्थात थ्री होना चाहिए, बिल्कुल सही, अभी भी हमारा बी ही आंसर सही आ रहा है ठीक। गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति हमने कब देखा था, 1833 में हमने देखा था, तो हमारा डी भी आ रहा है, यानी चारों के चारों स्टेटमेंट हमारे मिल रहे हैं, इसलिए अब 100% हमारा जो है आंसर सही है ठीक है ना। इस तरह एलिमिनेशन मेथड से आप अपने आंसर को निकाल सकते हैं। सेम क्वेश्चन है 57, यहाँ भी एलिमिनेशन सूची वन सूची टू को सुमिलित करना है, तो हम देखते हैं चार्टर एक 1813, चार्टर एक 1813 में क्या किया गया था, अब हम देखते हैं इनमें से कौन सा हो सकता है। चार्टर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमन करके करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करना, ये नहीं था, आपको याद रखना है ठीक है ना। ये कब किया गया था, बोर्ड ऑफ 1784 में किया गया था, तो यहाँ से हम देखते हैं 1784 है, तो हमारा 1784 आ रहा है, पिट इंडिया एक्ट 1784, तो यानी डी का जो ऑप्शन होगा ए होगा। तो हम लोग देखते हैं डी का ऑप्शन यानी ए हो सकता है हमारा या सी हो सकता है, यहाँ डी में टू दिया हुआ है तो ये दोनों नहीं होगा। तो हमने हाफ जो है अपना वर्क डन कर दिया, ये हमारा आंसर नहीं हो सकते हैं, जब भी होंगे तो ए होंगे या सी होंगे ठीक। अब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या क्या देखते हैं, क्या कंपनी के शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को दे देना, भारतीयों में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया नहीं, कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंधन से संबंधित पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को स्वतंत्र करने, अर्थात 1773 में ये बात की गई थी क्या कि जितने भी रिपोर्ट होंगे थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ेगा ठीक है ना, देना चाहिए, देने के लिए प्रावधान किया गया था। तो हम देखें तो हमारा बी का जो आंसर है वह फोर होगा, तो हम देखते हैं बी का यहाँ फोर कौन सा है, बी का हमारा फोर जो है ए आंसर है, यानी यहाँ देखें तो सी भी आंसर नहीं होगा हमारा, तो हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है ए आ रहा है, लेकिन अभी दो ऑप्शन बाकी है, इसको भी हम मिलान कर लेते हैं, सही होना चाहिए हमारा 1813 का चार्टर एक्ट 1813 हमने देखा था, इसमें क्या था हम देखते हैं, तो इसमें देखते हैं भारत शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया, ये कब किया गया था, ये 1858 में किया गया था, तो इस सी का जो होगा हमारा थ्री होगा, तो सी का देखते हैं थ्री हमारा तीसरा ऑप्शन भी मिल जा रहा है ठीक है ना। अब हम देखते हैं चार्टर एक 1833-13, तो इसमें हम देखते हैं कौन सा है हमारा जो लास्ट वन बच जा रहा है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को कार्य को पूरी तरह विनियमित करने में ब्रिटेन भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, बिल्कुल सही है, तो हमारा ए का टू मिल जा रहा है यहाँ आंसर पे ठीक। तो इस तरह देखें तो हमारा चारों के चारों आंसर बिल्कुल मिल जा रहा है, चारों के चारों ऑप्शन मिल रहे हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए होगा आंसर। तो इस तरह एलिमिनेशन मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आईएएस में 10-15 क्वेश्चन इस तरह का आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए आईएएस 2016 में क्वेश्चन देखते हैं, 2016 का क्वेश्चन देखते हैं कौन इसमें सही है। चार्टर एक 1813 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया ठीक, 13 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एक अधिकार को उत्साहित कर दिया गया अर्थात समाप्त कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1818 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया गया अर्थात ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत चला गया, तो हमारा करेक्ट आंसर है बी अर्थात बी सही है, लेकिन 1833 के द्वारा जो है भारत के व्यापार को एकाधिकार को समाप्त किया गया ठीक है ना। 1813 में कुछ किए गए थे चीन और
क्या था, चाय के साथ, तो एकाधिकार तो उनका था ही, तो 1813 हमारा गलत ऑप्शन है, तो हमारा बी, केवल बी जो है हमारा आंसर सही होंगे। चलिए 59 नंबर हमने 58 देखा, अब 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 59, 20 अगस्त 1917 सुधारे की घोषणा को जाना जाता है, अठाइए मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से, मॉर्ले घोंटा के नाम से, मिंटो घोषणा के नाम से, चैम्सफोर्ड घोषणा के नाम से। यहाँ पे आप देखिए काफ़ी ट्रिकी है, यहाँ पे दो हो सकते हैं, मॉन्टेग्यू क्योंकि उन्दे का सुधारों की घोषणा को जाना जाता है, ठीक, यही जो घोषणा आई थी 1917 में क्या नाम से आई थी, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड घोषणा आई थी। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड, चैम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है 1919, करेक्ट। 20 अगस्त सुधारों की घोषणा को ही मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड 1919 का एक्ट आया, ये भारत सरकार अधिनियम 1919 का एक्ट आया, ठीक है। अब यहाँ मॉन्टेग्यू भी दिया हुआ है, चैम्सफोर्ड भी दिया हुआ है, मॉन्टेग्यू घोषणा भी बोल सकते हैं, चैम्सफोर्ड घोषणा भी बोल सकते हैं, तो हमारा ए और डी दोनों आंसर हो सकता है, लेकिन हमें लेना क्या है अब, तो हमें यहाँ पे लेना है मॉन्टेग्यू। मॉन्टेग्यू क्यों, क्योंकि ये भारत सचिव थे, भारत सचिव के बाद ही आप समझे कि लोअर पोजीशन में आप वायसराय को ले सकते हैं, भारत सचिव उससे हायर पोजीशन है, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा होगा वो मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है, ठीक। इस तरह का ट्रिकी क्वेश्चन देखें तो आप पोजीशन को डालें कि हायरार्की में कौन सबसे पहले आता है, ठीक, तो हायरार्की में सबसे पहले जो आएंगे वह मॉन्टेग्यू आएगा। चलिए तो हमारा करेक्ट आंसर ए है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीपीएससी में पूछा हुआ है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे, आंसर कीजिए। यह बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए कब पारित किए हुए थे, ये काफी फैक्ट है, आपको सीधे ही आंसर बता देना है, ए 1835, 1867, 1878, 1908, ठीक है ना, ये चार ऐसे डेट है जिसमें नियंत्रित करने के लिए तरह तरह एक्ट लाए गए थे भारत में, किसको, मीडिया को नियंत्रित करने के लिए तरह तरह के एक्ट लाए गए थे। ये कब पूछा हुआ है, 2015 में, बीपीएससी 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस तरह काफ़ी फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं, तो अगर नहीं भी बन रहा है तो उसको स्किप कर दें, अगर नेगेटिव है तो स्किप कर लें, अगर नेगेटिव में नहीं है तो आंसर कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन जो आपको अच्छा लगे, जो आपको लगता है लॉजिकली पता है तो उसको आप कर सकते हैं। इतना फैक्ट कौन याद रखेगा, 1944 फैक्ट, 5-5 फैक्ट, काफ़ी फैक्ट हो जाते हैं। चलिए निम्नलिखित एक्शन 2061 देखते हैं, क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषताएं एकात्मक और केंद्रीय ही रही, ठीक। सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रत्यायोजित किया गया था, उपयुक्त में से कौन सा एक सही है, आंसर कीजिए। ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर और ए का सही नहीं है, ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, ये कब पूछा है, यूपी यूडीए 1998, ठीक है ना। एग्जाम में एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक। तो यहाँ हम देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर है, सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रायोजित किया गया था, परंतु ये हमारा आर जो है वो बिल्कुल सही है, तो ए गलत है परंतु आर सही है। यहाँ भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषता एकात्मक और केंद्रीय ही रही थी, गलत है। आपने देखा था कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था 1919 में, हमने देखा था, अर्थात द्वैत शासन तो लाया गया था, द्वैत शासन लाया भी गया लेकिन द्वैत शासन में कुछ कमियां थी, लेकिन पावर का डिस्ट्रीब्यूशन तो हुआ ही था उसमें, तो केंद्रीय नहीं रही थी। ये सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रायोजित किया था, बिल्कुल सही, सत्ता का एक बड़ा भाग अर्थात पावर सेंटर को दिया गया था उसमें, हमने देखा था। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन है, डी है, ये गलत है परंतु आर सही है। हम देखते हैं 62 क्वेश्चन, यूपी यूडीए 1998 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, द्वि शासन का अर्थ प्रशासन के विषय को दो वर्गों में विभाजित करना, कथन, प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया, प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया,
ये दोनों स्टेटमेंट जो है हमारा सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, समझे। आर जो है प्रांतों में उत्तरदायी शासन का बोध का परिवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया, ठीक है ना। द्वि शासन व्यवस्था क्यों लाया गया का अर्थ प्रशासन, द्वि शासन व्यवस्था ठीक, दो शासन प्रांतों में लाया गया, प्रांतों में उत्तरदायी शासन का क्यों लाया गया, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करने का प्रवर्तन किया गया है इसमें। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट जो है दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इसलिए ए स्टेटमेंट सही होगा, ए ऑप्शन जो होगा वो हमारा सही होगा। जब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करे तो वो ऑप्शन ए हो जाता है। अब देखें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2004 में क्वेश्चन पूछा हुआ, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। गवर्नरी प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति, अबोलिशन ऑफ डायरकी इन द स्टेट, पहला स्टेटमेंट। गवर्नर को विधायक क्रियाओं में निबिट्टो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना, गवर्नर जनरल को पावर दे दिया गया था कि वह विधायी क्रियाओं को निषेध अर्थात वह बिट्टो का पावर यूज कर सकता है और खुद विधि भी बना सकता है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियमन नियम की समाप्ति, तो यहाँ हम देखें तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व 1935 में और बढ़ा ही दिया गया था। 1909 से जो दौर शुरू हुआ ठीक है ना सेपरेट इलेक्टोरेट का, वह 1935 में और बढ़ा ही, घटा नहीं। 1909 में बढ़ा, 1909 में शुरू हुआ, 1919 में बढ़ाया गया, 1935 में बढ़ाया गया, ठीक। तो यह बढ़ता ही गया, समापन नहीं हुआ। तो हमारा थ्री जो है वह गलत हो जाएगा। थ्री जब गलत है तो यहाँ ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, तो डी गलत और ए भी गलत। अब हमारे लिए है केवल वन और ए और दो दोनों, तो यहाँ पे आप देखें तो हमारे लिए ए और दोनों सही है, क्योंकि गवर्नरों को ये पावर दिया था, गवर्नर जनरल को विटो पावर यूज करने का, 1935 के एक्ट में विटो पावर यूज करने का भी अधिकार दिया गया था गवर्नर को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आईएएस 2005 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, काफी सिंपल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध किया गया, बिल्कुल सही हमने देखा प्रांतीय स्वायत्तता का। एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध किया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। एक केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध किया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। तो हमने इन तीनों प्रावधान को देखा था इससे पहले, काफी हमने देख चुके हैं काफी क्वेश्चन में ये तीन प्रावधान है। आई होप इतना पढ़ते पढ़ते आपको 1935 का एक्ट अभी तक तो याद ही हो गए होंगे। चलिए तो डी हमारा आंसर होगा। हमने कितना देखा, 64 देख लिए, अब हार्डली 6 क्वेश्चन और बचे होंगे 71 तक। 65 क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेशन प्रपत्र, अनुदेशन प्रपत्र 1935 में अनुदेशन प्रपत्र की बात की गई है, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं को, वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया। अर्थात 1935 में अनुदेशन पत्र का, प्रपत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का जो है ना प्रावधान किया गया था, वह 1950 में नाम बदलकर हमारे जो है संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया अर्थात शामिल किया गया। तो मूल अधिकार के रूप में, राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, भारत सरकार के कार्य का संचालन। तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में, अर्थात यूं बोले राज्य के नीति निदेशक तत्व को ही आज़ादी से पहले 1931 में एक प्रावधान था उसी को बोला जाता था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। या आज़ादी से पहले उन्हीं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो बोला जाता था उसी का नाम चेंज करके नीति निदेशक तत्व के रूप में आपको है क्या किया गया, शामिल कर दिया गया। बाकी इसमें जो एक्ट हुए वो तो समय समय पर चेंज होते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 का, यहाँ भी हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उत्तराखंड पीसीएस 2003 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, हमने देखा रेगुलेटरी एक्ट 1773। अब यहाँ देखते हैं कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, हमने देखा रेगुलेटरी एक्ट 1773 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। तो ए का ऑप्शन कौन होगा, हमारा 4 होगा, तो ए का हमारा ऑप्शन 4 होगा। बाकी देखें तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये इतना सिंपल है कि पहले क्वेश्चन में, पहले स्टेटमेंट से ही हमारा आंसर निकल के आ जा रहा है, लेकिन हम चारों स्टेटमेंट को मिलाएंगे।
भारत परिषद अधिनियम 1909 में क्या बात की गई थी, द्वैत शासन का प्रारंभ गलत है, प्रदेशों की स्वतंत्रता के लिए प्रधान संप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रावधान बिल्कुल सही है, ए का थ्री, बी का हमारा कौन सा होगा थ्री, अर्थात हमारा देखा जाए तो अभी भी बी आंसर ही है, ठीक है। सी का देखते हैं, सी का टू है या नहीं, भारत सरकार अधिनियम 1919 इसमें दिया हुआ ऑप्शन द्वैत शासन का प्रावधान बिल्कुल सही है, ठीक। भारत सरकार अधिनियम 1935 अब इसमें देखते हैं, डी का वन, प्रदेशों की स्वतंत्रता के लिए प्रावधान बिल्कुल सही, स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया था बिल्कुल सही है, तो हमारा 66 का जो आंसर होगा वो बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ भी एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं हम, UPRO 2016 में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, यूपी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई समय में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई थी बिल्कुल सही, हमने देखा था लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, अगर सही हो बताइए लेमेस्टर थे या कौन था उसमें न्यायाधीश, अभी हमने देखा था पहला या तीसरा क्वेश्चन हमारा यही था, तो लेमेस्टर नहीं थे, सर एलिजा इम्पे जो थे मुख्य न्यायाधीश थे उसका, तो बी दो तो हमारा गलत है, दो गलत है यहाँ गलत, न तो वन न तो टू, ए सही है हमारा आंसर, हमारा 67 का क्या होगा ए होगा। 68 देखते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन, IAS 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ, निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्य एवं आंगल विवाद, तो यहाँ हम देखें एक तो कन्फर्म है हमारा 1813 का चार्टर एक्ट, हमने देखा 1,00,000 रुपये का प्रावधान किया गया था शिक्षा के लिए, तो हमारा एक देखें तो ए भी हो सकता है, सी दो भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ये तो छाड़ दीजिए, ये तो इसमें ऑप्शन ए नहीं है, ठीक है ना। अब आ गया जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्य एवं आंगल विवाद, ठीक है ना, अब हमें ये दोनों पता होगा तभी हम जाके सही आंसर कर पाएंगे, नहीं तो ये आंसर गलत हो सकते हैं, तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए, इस स्थिति में आप जितने भी रिवीजन किए हैं अपने दिमाग लगाइए क्या सही हो सकते हैं, तो इस स्थिति में आपके पास 50-50 का गेम होता है, या तो सही हो सकते हैं अगर याद नहीं है आपको, तो क्योंकि आप एक ही जान रहे हैं बाकी तीनों में एक दिया हुआ है, तो या तो सही हो सकता है या गलत हो सकते हैं, तो लेकिन यहाँ पर आंसर जो हमारा है वो है 1, 2, 3 है, अर्थात डी है, तीनों है जो शिक्षा के लिए प्रावधान किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 69th, यहाँ भी हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, IAS 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, चार्टर एक 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 1813 इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को, चाय व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था, बिल्कुल सही है हमारा आंसर, ए हमारा सही है, ए हो सकता है, ये हो सकता है, दो नहीं हो सकता है, ठीक। 1813 में यह प्रावधान किया गया था, चार्जिंग इसने कंपनी द्वारा एकाधिकार में लिए गए भारतीय राजस्व राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ किया, ये भी सही है स्टेटमेंट हमारा, अर्थात दो भी हमारा सही है, यहाँ दो नहीं है तो ये क्वेश्चन गलत होंगे, यहाँ भी दो नहीं है तो ये भी, यहाँ दो है तो हमारा ये भी सही हो सकता है, ठीक है ना, तो हमारा ए और डी सही हो सकते हैं। तीसरा देखते हैं, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, ये गलत है, तो तीसरा हम काटते हैं, ये भी कट जाए, तो हमारा आंसर जो आ रहा है वो ए आ रहा है। इस तरह एलिमिनेशन मेथड से आप सही कर सकते हैं। राजस्व का जो देखे ब्रिटिश के डायरेक्ट जो देखे कंट्रोल जो चला गया वो कब चला गया, 1858 के एक्ट के बाद, देखिए भारत राजस्व 1818 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत चला गया राजस्व का कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ भी हम कोशिश करते हैं एलिमिनेशन मेथड से हटाने कोशिश करने की, IAS 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता अविशेषताएँ हैं, ठीक है ना, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकारी में द्वैत शासन की व्यवस्था 1919 के एक्ट में बिल्कुल सही,
ए सी सी दो एंड तीन ये नहीं होंगे। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था हमने देखा था मुसलमानों के लिए 1909 में किया गया था, ठीक, तो 1919 में नहीं किया गया था, तो हमारा देखें तो दो हमारा गलत है, ठीक। तो इस तरह हमने देखा बी गलत डी गलत, या तो ए सही होंगे या एक और दो दोनों सही होंगे। केंद्र सरकार द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, बिल्कुल सही, केंद्र द्वारा हस्तांतरण, देखिए हस्तांतरण जो किया गया पावर का वो किया गया था, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट वन देखते हैं, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से पूछा हुआ है 2018 में क्वेश्चन में, केंद्रीय विधानसभा का या के निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे, अर्थात क्वेश्चन कह रहा है 1919 का जो एक्ट आया इसी के अंतर्गत, ठीक है ना, निर्वाचन जो हुआ था वो किस किस साल हुआ था, कौन कौन से वर्ष में हुआ था, 1926 में, 1937 में, 1945 में। हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ ए और सी, 1926 और 1945 में जो निर्वाचन जो हुआ था वह उसका निर्वाचन जो हुआ, निर्वाचन होने के लिए प्रोसेस होता है कि कैसे करना है नहीं करना है कौन कौन चीज़ों को ध्यान रखना है, वह बातें किस में की गई थी, वह 1919 का जो एक्ट बना था उसी एक्ट के अंतर्गत जो है 1919 में 1926 में निर्वाचन हुआ था, ठीक है ना, और 1945 में निर्वाचन हुआ था, ठीक है ना। तो ये थी हमारी 71 अर्थात 71 क्वेश्चन का जर्नी, ठीक, भारत शासन संवैधानिक, भारत का संवैधानिक विकास चैप्टर के अंतर्गत। एक चैप्टर में आप देख सकते हैं कि अभी तक 71 क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रॉक्ट देखें तो, ठीक। तो आप अब आपको बता दें कि इस चैप्टर को सही से तैयारी करने के लिए ऐसी तैयारी कि जिससे आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे यूपीएससी के एग्जाम हो चाहे आप वन डे किसी तरह के एग्जाम दे रहे हो, ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन गलत ना हो अप्रॉक्सली, तो आप क्या करना है कि नोट्स बनाने हैं इस चैप्टर का थ्योरी, और उसके बाद ये 71 क्वेश्चन जो है इसको आपको सॉल्व करना है। तो इस तरह एक चैप्टर पर जो है आपकी एक अच्छी पकड़ बन जाएगी, और इस चैप्टर से मैक्सिमम संभावना है कि क्वेश्चन बहुत कम ही गलत होंगे, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, इसके बाद देखेंगे कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।